बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जेन एआई की क्लास के अंदर जो पाइथन की बेसिक्स है उसके अंदर हमने कल से एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम पाइथन को बेसिक लेवल से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अंदर हमने वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का आगे ऑपरेटर ऑपरेशन उस पर कौन से परफॉर्म किए जाते हैं, स्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं, ये हमने बेसिक चीज़ें इंप्लीमेंट की थी। उसके बाद हमने इसके ऊपर बेसिक ऑपरेशन जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशन, रिलेशनल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारी की सारी हमने इंप्लीमेंट करके विद एग्जांपल एक्सपेरिमेंट किए थे। तो उसके बाद हमारा जो मेन फोकस था कि हम कैसे इनको इन द फॉर्म ऑफ एन इफ एल्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर के फ्लो के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने इफ एल्स का यूज किया था और इफ एल्स के साथ हमने इफ एल्स इफ नेस्टेड इफ और इन सारों को इकट्ठा इंप्लीमेंट करके देखा था, जिसके अंदर हमने ग्रेटर देन वैल्यू फाइंड करने का एक प्रोग्राम लिखा था और उसके अंदर हमने 3 वैल्यूज जो यूजर से इनपुट ली और उसके बाद उसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, तो आज के जो प्रोग्रामिंग सेशन होगा उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पाइथन बेसिक्स के अंदर अपने लूप्स को। लूप्स जो होता है वो बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रैपिडली परफॉर्म करने के लिए। इसकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इस बात की है कि जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल एक टास्क है, कोई भी टास्क है, कोई स्टेटमेंट है, उसे मल्टीपल टाइम्स आप प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप जारी बात बार 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 प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट करने से आपके पास आउटपुट तो आ जाता है मगर वो एक दफ़ा आता है। अगर आप इसको 10 दफ़ा 20 दफ़ा 30 दफ़ा अल्टीमेटली 1000 टाइम, तो क्या आप 1000 टाइम उस लाइन को लिखेंगे? जी नहीं, आप उसके लिए लूप्स का इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसको जाके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं, लूप की टाइप्स क्या होती हैं, कौन सा लूप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और इसको कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम जब लूप्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम थोड़े से डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, जिसके अंदर हम लिस्ट को स्टडी करेंगे और इसके बाद टपल को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट उसके डिक्शनरी को स्टडी कर देंगे, जिसके अंदर उसके मजीद फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका यूज़ केस कहाँ है, कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आने से पहले सबसे पहले हम हमारे पास जो हमारी लास्ट नोटबुक है उसको हम ओपन कर लेंगे। सिंपल सा मेथड था, हम इसको गूगल कोलैब के ऊपर चुके कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपनी कोलैब ओपन करें, आपका जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल अकाउंट है वो आपसे लॉगिन हो जाएगा और उस जीमेल अकाउंट के अंदर आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो लास्ट टाइम जो आपने इम्प्लीमेंट किए होंगे वो शो हो रहे होंगे रिसेंट की लिस्ट में। उसमें जाके आपने सिंपल सबसे पहला वाला जो कि आपकी लास्ट नोटबुक है उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लास्ट प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ था जिसके अंदर हम इफ एल्स को स्टडी कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम इसके बाद लूप्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं, अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लूप्स इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि आपके पास इफ एल्स का यूज़ किया जा रहा था, तो उसके बाद हमारे पास अब लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन है। तो लूप्स बेसिकली आप फॉर एग्जांपल हम इसको बेसिक लेवल की एग्जांपल से लेकर चलते हैं, जैसा कि हमने एक नॉर्मल से मैसेज प्रिंट कराना है, हेलो आई एम स्टडिंग अबाउट द लूप्स। ओके, तो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मैंने इसको सिंपली प्रिंट आउट करवा दिया, तो ये बेसिकली आपके पास नॉर्मल जैसे हमने प्रिंट आउट करवाते हैं तो ये प्रिंट हो जाएगी। ऑल्दो अभी ये कनेक्ट हो रहा है तो इट मे टेक सम टाइम, तो जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ओके, तो आउटपुट आ गई आपके पास, हेलो आई एम स्टडिंग अबाउट द लूप्स। तो नॉर्मली यहाँ पर पाइथन के अंदर क्या होता है, आपके पास कुछ हैक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर्मल बंदा क्या करेगा कि इसको एक दफा लिखेगा और इसको क्या करेगा, कॉपी करेगा, फिर इसको दोबारा से इसके नीचे प्रिंट कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा, फिर प्रिंट कर देगा, मगर आखिर कब तक? फॉर एग्जांपल इसको 5 दफ़ा करना चाह रहा है तो ये काम तो उसको 5 दफ़ा प्रिंट करके करना पड़ेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है।
अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उस सलूशन के लिए उसने लूप्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं। मगर इस लूप पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हैक दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर हम इसको एक ही तरीके से इम्प्लीमेंट करके बगैर लूप्स का इस्तेमाल किए हम प्रिंट आउट करवा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेरा लाइन थी, मैंने इसको 5 दफ़ा प्रिंट किया। तो पाइथन जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट आपको एक हैक या ट्रिक प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप इसके साथ सिंपल एस्टेरिक का वर्ड यूज़ करके और इसके साथ नंबर ऑफ टाइम्स जितनी दफ़ा इसे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 10 दफ़ा प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे सिंपली लिख दूंगा कि फलानी स्ट्रिंग मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो क्या करेगा उसको 10 दफ़ा प्रिंट करा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई हुआ 10 टाइम्स, तो ये प्रिंट हो गया। अब ये एक लाइन में प्रिंट हुआ है, तो हम जारी बात है हमने क्योंकि एस्केप सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, तो एस्केप सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो है वो पहले से ही एक बिल्ट इन एस्केप सीक्वेंस मौजूद है जो कि स्ट्रिंग के अंदर क्या करता है, नेक्स्ट लाइन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ नेक्स्ट लाइन करना, तो मैं इसके साथ बैक स्लैश एंड डाल दूंगा और इस तरह ये मेरे साथ लाइन बाई लाइन प्रिंट आउट हो गया। मगर ये यहाँ पे फेल नहीं हो, यहाँ पर फेल हो जाएगा जहाँ पर हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं जिनकी वैल्यूज बार बार चेंज हो रही हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करते हैं हम लूप के थ्रू। सबसे पहले हम सिंपल लूप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लूप इम्प्लीमेंट करने का सिंटेक्स इंतहाई आसान है, जैसा कि हम C++ वगैरह या दूसरी लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, वो वेरिएबल क्या होता है, एक आइट्रेटर होता है, उस आइट्रेटर की वैल्यू अपडेट करनी होती है। तो ये काफ़ी हैक्टिक होता है दूसरी लैंग्वेज में करना, मगर पाइथन जो है इस काम को इंतहाई आसान तरीके से करने के फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो सिंटेक्स इसका सिंपल है, फॉर आई इन रेंज, रेंज का एक बाई डिफॉल्ट फंक्शन है जो फंक्शन क्या करता है अपने अंदर एक इनपुट लेता है, इनपुट कि कितनी दफ़ा आपने लूप चलाना है। इसको करने से पहले मैं आपको इसकी टाइप्स के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक होता है काउंटर कंट्रोल्ड लूप और एक होता है कंडीशनल कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर हमारे पास ये वाला फॉर लूप आता है। मतलब क्या है काउंटर कंट्रोल लूप का, कि ऐसा लूप जो कि गिनती से कंट्रोल्ड हुआ हो, मतलब ये कि मुझे 10 दफ़ा चलाना है तो मैं उसकी गिनती सेट कर दूंगा 10 दफ़ा, यानी कि इसमें काउंटिंग सेट हुई हुई है। ठीक है, और जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसके अंदर जब तक कंडीशन वो ट्रू रहे तब तक वो लूप चलता रहे, तो इसी इस तरह के लूप को हम कहते हैं कंडीशनल कंट्रोल्ड लूप, जिसके अंदर हमारा वाइल लूप आता है जो तब तक चलता है जब तक हमारी सर्टेन कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, और जैसे जैसे वो ट्रू रहती है तब वैसे वैसे वो प्रोग्राम चलता रहता है और प्रोग्राम प्रिंट आउट करवाता रहता है जो भी उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने अपना लूप जो है सिंपली रख दिया, मैंने इसको फॉर एग्जांपल 10 दफ़ा चलाना है तो मैं इसके अंदर 10 की वैल्यू डाल दूंगा। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ये जो आई है इसको प्रिंट आउट करवा के दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जब आप लूप की बॉडी के अंदर जाएंगे तो आपने कोई ब्रैकेट का इम्प्लीमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन होता है ना वो ही उसी से उसकी बॉडी डिफाइन होती है। मिसाल के तौर पे अब जैसा कि मेरे पास फॉर लूप है, C++ में क्या करते थे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते थे, उसे डिफाइन हो जाता था कि इसके अंदर आने वाला सारा का सारा कोड क्या कहते हैं ये इस फॉर लूप का हिस्सा है। मगर पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर क्या होता है कि आप जब उसकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो आप उसके लाइन को लिखने से पहले एक टैब प्रेस कर देते हैं। ठीक है, मैं अगर इसको बाय डिफॉल्ट लिखने की कोशिश भी करूं, मतलब मैं इसके साथ कोलन डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो इतनी स्पेस शुरू में डाल देगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रिंट आई का जो लाइन है, जो स्टेटमेंट है, वो फॉर लूप की बॉडी के अंदर है। ठीक है, और अगर मैं इसको वहाँ पर बाहर करूँगा तो वो कहेगा कि आपने ये फॉर लूप लिखा है मगर आप इसकी बॉडी तो डिफाइन कर नहीं रहे, तो आप इसे बाहर क्यों चले गए? तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रहना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने आई की जो वैल्यू है, ऑल्दो मैं इसे प्रिंट कराते हुए साथ ना एक वेरिएबल भी बताता हूँ कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर आई की वैल्यू शुरू में 0 है। अभी 0 से क्यों हुई है? बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लूप चलता है उसकी हमेशा गिनती जो कि कंप्यूटर की गिनती की होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती हैं जिसका बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी एड्रेस 0 होता है, तो इसलिए हम इसका इंडेक्स भी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और कंप्यूटर की गिनती हमेशा 0 से ही रिप्रेजेंट की जाती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो गई, 0 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब यहाँ पर 10 तक नहीं जाएगा क्योंकि आपके इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट हुए थे तो वो 9 तक ही खत्म हो गए, यानी कि 10 टाइम्स ये चला है, मगर गिनती जो है वो 0 से स्टार्ट हुई है। इसी वजह से जो इसका लास्ट इंडेक्स है वो 10 वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ है क्योंकि इसने 9 तक चलना था। तो जब भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे, अगर आपने 10 दफा चलाना है या 10 तक चलाना है तो आप इसके अंदर 11 तक डालेंगे तो वो 10 तक चलेगा, ठीक है। अगर आप इसको 15 तक चलाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर लिमिट 16 तक सेट करेंगे तो 15 तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको 0 से स्टार्ट ना किया जाए, बाय डिफॉल्ट तो ये 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज के फंक्शन को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये रेंज का फंक्शन हमारे लिए क्या क्या इनपुट लेता है। तो अगर आप अपना जो कर्सर है इसको रेंज के फंक्शन के ऊपर होवर करें तो आपके पास ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो है रेंज एक अगर पैरामीटर दिया जाए तो वो उसके अंदर स्टॉप का इनपुट मिल लेता है। अगर आप इसके अंदर 2 या 3 इनपुट लेते हैं तो वो 3 इनपुट में पहले वाले इनपुट को स्टार्ट कंसीडर करेगा कि जहां से स्टार्ट करना है आपने, और स्टॉप कंसीडर करेगा जहां पर आपने स्टॉप करना है, और फिर उसके बाद स्टेप एक तीसरा वेरिएबल है कि आप एक से दूसरे नंबर के दरमियान कितने कितने नंबरों का गैप डालना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट ये 1 पे सेट होता है, मतलब 1 से 2 एक नंबर का गैप, फिर 1 से 2 से 3 एक नंबर का गैप, 3 से 4 एक नंबर का गैप, और अगर आप इसकी स्टेप की वैल्यू को 2 कर दें तो 1 से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1, 2, 3 तो ये 3 प्रिंट कराएगा, फिर 4, 5 प्रिंट कराएगा, फिर 6, 7 प्रिंट कराएगा, मतलब 2-2 नंबरों का गैप डालना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम चाहते हैं कि जी 1 से स्टार्ट हो, तो चेक करते हैं कि 1 से स्टार्ट होने पर क्या प्रिंट कराता है। दिस टाइम इसने क्या हुआ, आई की पहली वाली प्रिंट कराई 1, और फिर प्रिंट कराया 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 6, फिर 8, फिर 9। यहाँ पर 9 तक क्यों चला है, 9 तक तो नहीं चलना चाहिए था क्योंकि गिनती तो इस दफा 1 से स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि इनिशियल वैल्यू हम जो मर्जी रखें तो एट द एंड वो हमेशा चलेगा आपकी वैल्यू -1 तक, जो लिमिट वाली वैल्यू है, यानी कि 10 -1 मतलब 9 तक चलेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप लूप चलाएं तो इसकी वैल्यू जो है उस नंबर से जो कि आपकी लिमिट है +1 करके लिखें, मतलब आपने 10 तक चलाना है तो +1 मतलब 11 तक रखेंगे, आपने 15 तक चलाना है तो +1 यानी 16 रखेंगे, इससे आपकी लिमिट जो है वो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेप्स की भी बात कर लेते लगे हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू जो है वो 2 डाल दूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि 1 से तो शुरू होगा मगर 2-2 नंबरों का गैप डाल के शुरू होगा। किस तरह, यहाँ पर देख लेते हैं, आई की वैल्यू जब हमने प्रिंट कराई, यहाँ पर आई की वैल्यू है 1, फिर उसने 2 नंबरों का गैप डाला डेफिनेटली जो कि उसकी स्टेप की वैल्यू है, तो वो क्या आएगी 3, यानी कि 2 नंबरों का इजाफा किया तो 3, फिर 2 नंबरों का इजाफा किया 5, फिर 2 नंबरों का इजाफा किया 7, और फिर 2 नंबरों का इजाफा किया 9 तक चला, ठीक है। उसके बाद 2 नंबरों का इजाफा करेगा भी तो वो लिमिट अक्रॉस हो जाएगा, तो इसलिए वो प्रिंट आउट नहीं करवाएगा। तो इस तरह ये लूप जो है ये बेसिकली फंक्शन काम करता है, ठीक है। चलें अब इस फॉर लूप के ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि हम यूजर से एक इनपुट लेंगे और इनपुट के थ्रू हम क्या करेंगे, उतनी काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवाएंगे। ये काफी सिंपल प्रोग्राम है मगर इसको बाद में हम इम्प्रूव भी करते हैं। तो जी इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक मैसेज एंटर अ नंबर प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, और फॉर आई इन रेंज उस नंबर तक चलाएंगे और इसको प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, अब यूजर से एक इनपुट लेते हैं 10 और इसको प्रिंट करवाते हैं, तो इसने हमें एरर दे दिया है कि ये स्ट्रिंग टाइप में है। लास्ट में आपको रिमेम्बर होगा कि जो भी वैल्यू हमने इनपुट में लेनी है हमें उसे टाइप कास्ट करना होगा। टाइप कास्ट इसलिए करना होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है इनपुट की फंक्शन की तरफ से वो होती है स्ट्रिंग टाइप, और स्ट्रिंग टाइप के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इनपुट वैल्यू आई है उसको इंटीजर फॉर्म में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इनका फंक्शन के अंदर इनपुट का फंक्शन रैप कर दूंगा और यहाँ से मेरी जो वैल्यू आएगी वो नंबर के वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप की आएगी, और इंटीजर टाइप के अंदर मैं लूप लगा दूंगा और उसे प्रिंट आउट करवा दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैंने आप इसके बाद 10 लिखा, तो 10 के बाद आप देखें ये 10 10 10 प्रिंट हो गया। अब ये क्या हुआ, ये मैंने गलती की है क्योंकि मैंने इसके अंदर रेंज को ही प्रिंट करा दिया है बार बार। मैं इसके अंदर आई को प्रिंट, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, नंबर नहीं चेंज हो रहा, ठीक है।
तो जो चेंज होने वाली वैल्यू है वो प्रिंट करवा रहे थे, सॉरी गलती हो गई, आई ठीक है। और अब इसके अंदर 10 इनपुट किया, तो आप देख रहे हैं जीरो से लेकर 10 तक ऑल दो स्मूथली रन हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि ये मैं चाहता हूँ कि ये 1 से शुरू हो और आपकी लिमिट तक चले, मतलब जो आपकी वैल्यू है यानी कि 10 तक चले, 1 से लेकर 10 तक। तो मैं क्या करूँगा, नंबर से शुरू करूँगा, मगर आपकी बार क्या होगा, यहाँ पर देखें मैंने 10 इनपुट किया मगर ये 1 से शुरू हुआ, 9 पे जाके ख़त्म हो गया, मैं तो 10 तक चलाना चाह रहा था। तो अब क्या इसमें इशू है, मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट में एक नंबर का इजाफा करना पड़ेगा, जो कि हर दफ़ा क्या करेगा, एक एक नंबर का लिमिट सेट कर देगा। मतलब मैं 10 इनपुट करूँगा तो ये लिमिट सेट करेगा 11 तक, अगर मैं 15 इनपुट करूँगा तो ये लिमिट सेट करेगा 16 तक, ठीक है। तो मैं इसको चला देता हूँ, अब मैंने 10 इनपुट किया तो ये कहाँ तक चला, 10 तक, ओके। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फॉर लूप को चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं, थोड़ा सा और इन्हेंस करते हैं। क्या हो कि अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि एक नंबर यूजर से इनपुट लें और वो उसका 10 तक टेबल प्रिंट करवा दे, मतलब मैं 7 इनपुट लूँ तो ये प्रिंट करा दे 7 7 7 7 14, ऐसे करके 7 10 70 तक, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी कोड को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद नीचे ले आता हूँ, ठीक है, एंटर अ नंबर। अब देखें इस नंबर तक मैंने लूप नहीं चलाना है, लूप मैंने 10 तक ही चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट बाय डिफॉल्ट 11 तक सेट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे 11 टाइम्स चलाना है, क्योंकि मैंने 10 दफा प्रिंट कराना है, सॉरी 11 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स चलाना है, ठीक है। तो अब मैं प्रिंट करते हुए काम में अपनी थोड़ी सी मैनिपुलेशन लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसको अब चलाने की कोशिश करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 का वेरिएबल इनपुट करता हूँ तो ये गिनती 10 दफा प्रिंट हो रही, मगर मैं तो 7 का टेबल प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा कि हर वो नंबर जो कि आई के अंदर आ रहा है वो 1 से लेकर 10 तक है, उसको 7 के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करूँ, मतलब पहली दफ़ा आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करेगी, पहली दफ़ा आएगा 7, फिर 2 7 था 14, फिर 3 7 था 21, ऐसे करके प्रिंट आउट होता रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर को इनपुट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब देखना, जब मैंने इसके अंदर इनपुट की, फॉर एग्जांपल मैंने 7 इनपुट किया, मैंने इसको रन किया, तो अब यहाँ पर क्या है, 7 7 14 21 28 35 42 और ऐसे करके अप टू सो ऑन, ये 70 तक इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करवा रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और इन्हेंस करके प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं इसके साथ वो नंबर भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ और उसके साथ एक और स्टेरिक जो कि मल्टीप्लाई का निशान शो कराएगा, और आई जो कि मेरे पास गिनती को शो कराएगा, और फिर स्टेरिक और इक्वल का निशान, और ये आप देखते हैं इसके आउटपुट को, ठीक है। अब देखें, अब मैंने 7 प्रिंट कराया तो इसने बड़ी खूबसूरती के साथ मुझे पूरे का पूरा टेबल जो है वो 7 तक प्रिंट आउट करवा के दिखा दिया। तो यहाँ से हमें लूप्स की पावर का अंदाजा होने लग गया है कि कैसे लूप जो है हमारे मुश्किल से मुश्किल काम को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, लूप्स को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए कोई और एग्जांपल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, जिससे हम लूप्स को मजीद एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। क्या हो कि मैं लूप चलाऊं फॉर एग्जांपल 50 तक, और 50 तक मैं सारी की सारी इवन वैल्यूज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो लूप की सेटिंग कर लेते हैं, फॉर आई इन रेंज मुझे चलाना है लूप कहाँ तक, आप सही समझ रहे हैं, 50 तक चलाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 50 इनपुट कर लिया, अब बाल दो मुझे पता है 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 50 तक प्रिंट करूँ। अब यहाँ पर इसने सजेशन भी दे दिया है कि वो हर वो वैल्यू जो कि 2 पे डिवाइड होती है तो वो मुझे प्रिंट आउट करवानी है, ठीक है। तो इसने मुझे सजेशन बिल्कुल एक्यूरेट दिया है, जो कि लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल में भी किया था कि आई की वैल्यू उसको मॉडुलस 2 के साथ ले, 2 के साथ मतलब रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, तो जब 2 के साथ वो डिवाइड हो तो वो क्या करे, रिमाइंडर 0 दे, और अगर 0 रिमाइंडर दे तो उस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होता है, वो वैल्यू जो 2 पे डिवाइड होती है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये मुझे 50 तक सारी के सारी इवन वैल्यूज प्रिंट करेगा, मतलब पहली वैल्यू 0 तो इवन पे ऑड पे दोनों पे कंसीडर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 0 वो 2 4 6 8 10 12 13 14 और सॉरी 14 16 ऐसे करके सारी की सारी वैल्यूज इसने 48 तक प्रिंट करवा दी, और लास्ट जो लिमिट है वो 50 है, तो 50 चूंकि इवन वैल्यू है मगर वो 50 तक लूप नहीं लेकर गया, तो इसकी वजह से 50 जो है वो मिस हो गया।
क्या हो, मैं 50 को भी मिस नहीं करवाना चाह रहा, तो मैं इसकी रेंज क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा 51 तक। तो अब की बार इसके अंदर 50 प्रिंट हो गया है। ओके अच्छा, अब नेक्स्ट इसके पास चलते हैं कि हम इसके अंदर इवन की बजाय ओड वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास कंडीशन को थोड़ा सा अपग्रेड करना है कि इक्वल की जगह नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कुछ आ जाए, तो उस केस में क्या प्रिंट करें, तो आपके सामने सारी की सारी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी जो कि टू के टेबल पर डिवाइड नहीं होती, मतलब 1, 3, 5, 7, 2, 9, 11, 13 ऐसे करके सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आई हैं जो कि टू के टेबल पर डिवाइड नहीं होती, मतलब ओड वैल्यूज प्रिंट हो गई। तो इससे आपका अंदाजा हो गया है कि आपके पास जो भी वैल्यू है, क्या हुआ, चल रहा है, नहीं चल रही, गाना लगाया था, देख के लगाया था। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू आई थी वो आपके पास इवन और ओड वैल्यू को टैकल करने के लिए कैपेबल हो गई है। ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास इसके साथ मैसेज भी प्रिंट हो जाए कि ये वैल्यू इवन है, ये वैल्यू ओड है। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू का मैं स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करूँ तो वो लूप को ब्रेक कर दे। मिसाल के तौर पर मैं मल्टीपल टाइम्स इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं अब क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई कंडीशन नहीं आया, कंट्रोल लूप नहीं, सॉरी काउंटर कंट्रोल लूप नहीं, क्योंकि मैं इसमें कोई लिमिट पहले से सेट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास काउंटिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि जब तक मैं खास वैल्यू इनपुट नहीं करता तब तक ये वैल्यू क्या करे, इनपुट लेता रहे। तो वो खास वैल्यू कौन सी है, फर्ज कर ले मैं वो वैल्यू -1 सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक इनपुट लेता हूँ यूजर से नंबर 1। ठीक है, और उस नंबर 1 के अंदर एंटर अ नंबर इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, सही है, और इसके अंदर मैं कंडीशन में लगा लेता हूँ वाइल जो नंबर है इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो उस केस में वो क्या करे, उसको प्रिंट करवाए, मगर कब प्रिंट कराए, जब वो इफ द नंबर का मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस, बहुत सजेशन दी जा रही है। हाँ, तो अब देखें यहाँ पर मेरे पास जो भी वैल्यू प्रिंट होगी, अगर मैं इनपुट ले ही जा रहा हूँ यूज़र से, और जब तक वो यूज़र -1 नहीं इनपुट करते था तब तक मैं क्या करूँगा, या यानी कि पॉजिटिव वैल्यू की बजाय वो कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं करते था तब तक वो इनपुट लेता रहेगा और तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। और जैसे ही मेरा लूप जो है कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू लेगा तो वैसे ही मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरह सेट कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है, इफ़ नंबर 2 का मॉडुलस 2 के नंबर का मॉडुलस 2 के साथ इज इक्वल टू 0, मतलब वो जो है वो वैल्यू एक इवन वैल्यू है, तो वो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज इवन प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ओड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं इसके साथ ना जो नंबर इनपुट किया हुआ वो भी प्रिंट करा देता हूँ। तो इसके साथ मैं मैसेज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का लगा लेता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली ये होता है कि मैं स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ कि बाहर एफ लगा देता हूँ जो कि मैंने स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करता हूँ, और उसके साथ वो नंबर यानी कि जो वेरिएबल मैंने यूज़ करना है वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह मैं ओड के साथ भी करूँगा। अच्छा, इनपुट लेने के बाद मैं क्या करूंगा, दोबारा से इनपुट लूंगा। ठीक है, और दोबारा से इनपुट लेने का मकसद क्या है कि इससे नेक्स्ट टाइम जब मैं इनपुट लूंगा तो इससे क्या होगा कि वो दोबारा चेक करेगा, ऊपर जाएगा वाइल वाली कंडीशन में चेक करेगा कि अब की बार तो नहीं इसने कोई नेगेटिव वैल्यू दे दी, अगर नहीं दी तो फिर दोबारा से वो चेक करेगा और इवन और ऑड प्रिंट कराएगा और दोबारा इनपुट लेगा, और अब की बार अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू दे दी तो वो क्या करेगा, आउटपुट को ब्रेक कर देगा, मतलब लूप को ब्रेक कर देगा और आपके लूप के बाहर आ जाएगा। तो लूप के बाहर मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, लूप इज एंड। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर पहली वैल्यू जो है मैं 89 इनपुट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर प्रिंट करा दिया 89 इज ओड। ठीक है, और दोबारा से इनपुट लेने लग गया।
ठीक है। तो अब की बार मैं इसके अंदर इनपुट करता हूँ 11, 11 जो है ओड है, तो यहाँ पर पैसिव प्रिंट जो है 11 इज ओड। और अब मैं एक इवन वैल्यू इनपुट करता हूँ यानी कि 16, तो यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, तो आप देखें 16 इज इवन प्रिंट हो गया। और अब मैं चूंकि मेरा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है, अब मैंने इस प्रोग्राम को ब्रेक करना है, तो मैं इसके अंदर कर देता हूँ एक नेगेटिव वैल्यू का इनपुट यानी कि सेंटिनल वैल्यू, तो वो हमारे पास नेगेटिव की कोई भी वैल्यू हो जाए, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो लूप मेरा एंड हो जाएगा। तो ये था बेसिकली लूप का एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करके हम एक खास कंडीशन के साथ एक लूप को चला सकते हैं, और इसकी बेस पे हम बहुत से एग्जाम्पल्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास एक खास कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही ये लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है व्हाइल लूप की, और ऊपर आपको पता है आपने फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन देख ही लिया, जिसकी बेस पे आप क्या करते हैं काउंटिंग की काउंटिंग तक कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि जैसे काउंटिंग आपकी चलती रही है तब तक आपका लूप चलता रहेगा, और जैसे ही काउंटिंग आपकी कंप्लीट हो गई तो वैसे ही आपका लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लूप्स आपके जो हैं वो इसके इसके अंदर कवर हो रहे हैं, मगर ये है कि अगर हम एक खास पैटर्न में प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ स्टैरिक या पिरामिड प्रिंटिंग की, ठीक है, मतलब जिसके अंदर आउटपुट कुछ इस तरह आता है, जैसे आपके पास है स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, आप इस तरह का आउटपुट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो क्या आपके जहन में आता है कि क्या क्या तरीका होता है? ठीक है, एक कुछ लोग से सोच रहे होंगे कि इसको हम फॉर लूप या नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू करेंगे, तो इसका एक बहुत ही आसान हल जो कि हमने अभी स्टडी किया था ऊपर, जो कि मैंने कहा था मल्टीप्लाई बाय 10, तो आप इसको इस तरह करके भी कर सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज 10 तक, सॉरी 5 तक, क्योंकि मैं 5 टाइम्स चलाना चाह रहा हूँ, और 1 से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 6 लिख देना चाहिए, और लेट अस्यूम मैं इसमें प्रिंट आउट करवाता हूं स्टार को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपली मुझे 5 दफा स्टार प्रिंट करा देगा। ठीक है, ये तो काफी सिंपल सी बात थी। अब इसके साथ मैं क्या करता हूं, इसको पहली दफा में 1 दफा प्रिंट कराना चाहता हूँ, दूसरी दफा में 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर 4 दफा, फिर 5 दफा, तो अब इस केस में मैं क्या करूंगा, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, स्टार के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा आई को। आई क्या काम करेगा, आई ही सारा गेम चेंजर है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग मतलब स्टार को अगर 10 दफा प्रिंट कराना है तो मैं इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो 10 दफा आपके सामने प्रिंट आउट हो जाएगी। इसी तरह 5 दफा प्रिंट कराना चाह रहा तो मैं इसको 5 दफा प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, सिंपल इज दैट। तो यही काम मैं इसके सामने कर रहा हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी हर दफा, पहली दफा आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5 आएगी, ठीक है, और 6 तक जाएगी नहीं क्योंकि लिमिट आपकी -1 तक चलती है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टार मल्टीप्लाई बाय आई, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो पहली दफा 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, बिल्कुल आपका काम इस तरह हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह करके काफी ज्यादा तरीकों से अपने साथ जो है ना प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न को मैं एक डिफरेंट मेथड के लिए करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर एक कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ जो कि इसको उल्ट रिवर्स पैटर्न में प्रिंट कराए। ठीक है, मतलब पहली दफा ये 5 प्रिंट कराए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, कितना टाइम है, 6:41 है, तो अभी मेरे पास 20-25 मिनट और है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रिवर्स पैटर्न में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मतलब मैं रिवर्स लूप चलाना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, जैसे कि 5 से लेकर ये चलाए 0 तक, क्योंकि मुझे पता है कि ये 0 तक इसलिए चलेगा क्योंकि मैं इसमें से डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करूंगा। इसमें गेम चेंजर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का कहाँ से मुझे आइडेंटिफाई होगा, वो होगा इसके स्टेप से, क्योंकि मैं 5 से लेकर 0 तक जाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो मैं इसमें अगर 5 से लेकर 0 तक पॉजिटिव वैल्यू पर सेट कर दूंगा ना, तो 5 से आगे वो 6 कर देगा, 7 कर देगा, और 0 तक तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, तो रेंज वाला फंक्शन जो है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो तो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा।
और मैं नहीं चाहता कि ये इनफिनाइट लूप में जाए, मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसी कंडीशन तक जाए जो कि सर्टेन कंडीशन ट्रू रहे तब तक चले, बाद में खलास। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, 5 से लेकर 0 तक चलाना चाहता हूँ, मैं इसकी स्टेप की वैल्यू को -1 कर दूंगा। तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, ये 5 तक चलेगा, ठीक है, यानी कि 5 टाइम्स प्रिंट कराएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, फिर ये कितनी दफा प्रिंट कराएगा, 4, क्योंकि 5 -1 हो गया, तो आप ये 4 टाइम्स, फिर 4 -1 3 टाइम्स, फिर 3 -1 2 टाइम्स, फिर 2 -1 1 टाइम। ठीक है, अब मैं इसको चला के देखता हूँ, तो ये मेरे पास जो पैटर्न है बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो काम हमने एक सिंपल तरीके से किया, इसको एक नेस्टेड इफ के साथ करेंगे। जैसे कि अब देखें, ये जो आपके पास है लूप, ये फॉर एग्जांपल मैंने 10 टाइम चलाया, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, हर एक लूप की अंदर, यानी कि पहली रो में ये पहली दफा चलेगा, पहली रो का लूप जो है उसकी बॉडी के अंदर जो सेक्शन होता है वो उतनी दफा चलता है। ठीक है, यानी कि अगर लूप बाहर वाला एक दफा चलेगा तो अंदर वाला लूप उतनी दफा रिपीट होगा। ठीक है, फिर दोबारा से आएगा, फिर पहले वाला लूप चलेगा, फिर दूसरा लूप अंदर वाला उतनी दफा चलेगा। तो मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आई की वैल्यू पकड़ी, वो भी 10 टाइम्स चलेगी, और इसके अंदर एक और लूप चला दिया जो कि जे है, बाहर वाला वेरिएबल आई है वो डिफरेंट है, और अंदर वाला वेरिएबल जे है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर प्रिंटिंग करवाना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर प्रिंट कराता हूँ आई और जे दोनों की वैल्यू, साथ इसके मैसेज भी प्रिंट करा देता था कि आई इज इक्वल टू ये आई है, और इसका अपेंड का ऑपरेशन कर सकता हूँ। आप कोमा भी डाल सकते हैं, मगर ये सिर्फ प्रिंट में काम करेगा। अगर आपने दो स्ट्रिंगों को जोड़ना है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने प्लस का इस्तेमाल करना है, मगर यहाँ पर एक केस है क्योंकि ये वाली है आपके पास स्ट्रिंग, और आई के अंदर जो आने वाली वैल्यू है वो आपके पास इंटीजर टाइप की होंगी, तो इस केस में आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करेंगे, तो वो ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो जे इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ जे, और ये आपस में कॉन्केटिनेट हो गए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। हाँ, अब आप देख सकते हैं आई 0 शुरू में था और ये 0 ही रहा, कितनी दफा, 10 दफा। क्यों 10 दफा 0 रहा, क्योंकि पहली आइटरेशन में आई जो है वो इधर प्रिंट हुआ, और जे जो है वो आगे क्या हुआ, वो अंदर, यानी कि आई उस टाइम 0 रहा और जे जो है उतनी दफा 0 से लेकर 10 तक चला, फिर आई जो है वो 1 हुआ, फिर जे जो है 0 से लेकर 10 तक चला, फिर आई जो है वो 2 हुआ, फिर जे जो है 0 से लेकर 10 टाइम चला। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने ये जो प्रिंट है इस फंक्शन के अंदर एक और इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, वो है एंड की। एंड को बाय डिफॉल्ट जो है एंड का फंक्शन आपका होता है, इसके ऊपर अगर आप होवर करें तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी फंक्शन की जो कि बिल्ट इन फंक्शन है उसके बारे में आपको नहीं पता चल रहा, तो आप क्या करें, उस फंक्शन के ऊपर होवर कर दें थोड़ी देर के लिए कर्सर को, तो वो आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा। ओके, इस टाइम चल नहीं रहा, हाँ सजेशन ये है आपके पास। देखिए, प्रिंट की ये जो होती है ये आपके पास वैल्यूज लेती हैं, मगर एट द एंड इसके अंदर एक और पैरामीटर भी होता है जो कि होता है एंड का। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक एस्केप सीक्वेंस सेट हुआ होता है जो कि क्या करेगा, हर प्रिंट हुई लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। अगर हम ऐसा करने से रोकना चाहते हैं तो हम इस एंड को सेट कर देंगे स्पेस से या एम्प्टी स्पेस से, तो वो क्या होगा, हर लाइन के एंड पे स्पेस डाल देगा, बैक स्लैश एन नहीं डालेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा फायदा, इससे ये फायदा होगा कि हमारे पास जो भी है प्रिंटिंग वो सारी की सारी एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो अंदर वाला लूप है इसकी जो भी प्रिंटिंग हो रही है वो एक लाइन में हो, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए फिर वो प्रिंटिंग हो, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाए फिर वो प्रिंटिंग हो। ठीक है, तो मैं इसके बाद क्या होगा, इस लूप से बाहर आके एक और प्रिंट लगा दूंगा, ये खाली प्रिंट है मगर इसके अंदर क्योंकि बैक स्लैश एन है तो इस वजह से वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, तो इसलिए मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब आई और जे की और क्लियर पिक्चर आपके सामने आ गई है। ठीक है, अब आई और जे आपके सामने प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, आई की वैल्यू शुरू में क्या रही है, पहली रो में,
जीरो ही रही है, जीरो 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 जीरो, जबकि इस केस के अंदर जो अंदर वाला लूप था ना जे, जे की वैल्यू अपडेट होती रही है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट रो में जब आई की वैल्यू एक अपडेट हुई, जे की वैल्यू फिर, यानी कि अंदर वाला लूप 10 दफा चलेगा बाहर वाले लूप के एक दफा चलने गए। ठीक है, तो इस केस को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नेस्टेड लूप इंप्लीमेंट हो रहा है जिसके अंदर एक लूप बाहर वाला चलेगा और अंदर वाला लूप उसी लूप की वजह से वो 10 दफा चलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चलें जी हम इसको प्रिंट आउट कराने से पहले ना हम इसकी कंडीशन को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, हम इसकी कंडीशन को इस तरह समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या प्रिंट कराना है कि आई और जे पहली दफा में ये एक दफा चले, दूसरी दफा में ये दो दफा चले, तीसरी दफा में ये तीन दफा चले, फिर चार दफा। तो मतलब जो लिमिट है वो बार बार अपडेट होती रहे। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट है वो है स्टैटिक, यानी कि 10। तो हम इसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं। अब हमें पता है इस लूप से बाहर एक लूप है जो कि आई के वेरिएबल के साथ अपडेट हो रहा है, तो हम इसको आई के साथ चेक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वो पहली दफा में आई जो है उसकी वैल्यू जीरो होगी, तो पहली दफा में वो जीरो टाइम चलेगा, फिर अगली दफा में वो वन टाइम चलेगा, फिर टू टाइम, फिर थ्री टाइम, फिर फोर टाइम। अब फर्स्ट टाइम जो है वो जीरो चल रहा है, मैं इसको जीरो टाइम नहीं चलाना चाह रहा, तो मैं कहता हूँ कि आई प्लस वन टाइम तू चल रहे। चले मैं उसके बगैर पहले करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर ये लाइन जो है प्रिंटिंग की मैं छोड़ देता हूँ, इसकी जगह मैं सिंपली ये प्रिंट कराता हूँ। और इसको एंड नहीं करना, सॉरी इसको एंड कर देते हैं और फिर नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा। चलें अब इसको चलाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन थी, मगर फर्स्ट लाइन पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन पे गया तो इसने एक प्रिंट कराया क्योंकि फर्स्ट लाइन पे जीरो था। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसने दो प्रिंट कराया, फिर इसके बाद इसने तीन प्रिंट कराया और नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया, फिर चार प्रिंट कराया नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया, फिर पांच प्रिंट कराया नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया, और ऐसे करते करते ही आगे प्रिंटिंग करा रहा है। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम भी जीरो तक ना चले, ये चले वन टाइम। ठीक है, तो फिर ये ऐसे करके प्रिंट करा दे। तो ये फर्स्ट रो को आप देख सकते हैं, पहली दफा भी स्टैटिक इसने प्रिंट करवा दिया। ओके, तो इस तरह करके हमने क्या किया है, एक सक्सेसफुल लूप का इम्प्लीमेंटेशन किया है जो कि आपके पास पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब इसी पैटर्न को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्या मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने के लिए। सिर्फ इसमें एक छोटी सी चेंजिंग होगी कि जो हमारा 10 से लेकर 10 तक चल रही है हम इसको रिवर्स ऑर्डर में चला देते हैं, मतलब 10 से शुरू होगी और ये 0 तक जाएगी और -1 के इंक्रीमेंट के साथ, अंदर वाली चीज़ सेम रहेगी। तो यही काम जो है इसने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दिया। ठीक है, मगर चूंकि यहाँ पर आपके पास ये जो लास्ट वाली रो थी इसने इसमें दो दफा प्रिंट कराया, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो एंड हुआ है उसमें एक स्टार की कंडीशन पे वो जीरो तक आया, वो चला असल में ये नाइन से। ठीक है, तो 10 9, सॉरी ये कितनी दफा चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, ये 10+1 मतलब 11 टाइम चल गया। ओके, तो अब हम इसको ना इधर से चला लेते हैं। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, इधर से एक नंबर जो है ना वो पीछे कर लेते हैं ताकि हमारा जो लूप है वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे चलता रहे। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अब आपने फर्स्ट टाइम ये होगा ये 10 टाइम चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने 11 से स्टार्ट कराया है तो 11 जो है वो हमारी लिमिट होगी, तो हमारा 10 टाइम चलेगा डेफिनेटली। फिर उसके बाद हमारी अगर 10 लिमिट होगी तो 9 टाइम चलेगा। ठीक है, फिर अगर 9 लिमिट होगी तो 8 टाइम चलेगा। तो ऐसे चलते चलते यहाँ पर आपके पास लिमिट जो है वो 2 थी, तो यहाँ पर आके ये 1 टाइम चला। ठीक है, तो ये बेसिक लॉजिक है। और अगर आप इन दोनों लूप्स को जोड़ दें तो ये आपके पास एक पिरामिड टाइप बना देगा। ओके, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पिरामिड है। ठीक है, अब आप जो है इसके ऊपर ऐसा पैटर्न बना दें कि ये शुरू में उतनी स्पेसेस डालें। ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट हो, जैसे ये ऊपर वाला एंगल है ट्रायंगल का, ये इसका नीचे की तरफ जो एम्प्टी स्पेस है इसकी जगह पे स्टार आ जाए, बाकी जगह पे स्पेस आ जाए। अब इसको कैसे करेंगे ये आप लोगों ने अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास और भी इसकी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम इटरेट करेंगे वैल्यूज को डिफरेंट किस्म के डेटा स्ट्रक्चर्स में से।
तो डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले हमारे पास इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो होते हैं लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज। ठीक है, तो लिस्ट के पास चलते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, लिस्ट को स्टडी करने से पहले वेरिएबल्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उनको हमने बेसिकली पहले स्टडी किया है, वो है वेरिएबल्स नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि नाम रखी हुई मेमोरी की जगह। एक मेमोरी के अंदर आपने एड्रेस दिया है, और एड्रेस को उसने एक वेरिएबल का नाम दे दिया है ए। ठीक है, जो कि लास्ट हमने पेंट के ऊपर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक मेमोरी का स्ट्रक्चर सोच लें। ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक खाना है जिसके अंदर एक वैल्यू असाइन कराई है ए, उसके अंदर आपके पास वैल्यू पड़ी है 102। ठीक है, फिर किसी दूसरे खाने के अंदर आपका वेरिएबल बी असाइन किया, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है 504। ठीक है, अब ये 102 और 504 एक दूसरे से डिफरेंट रैंडमली लोकेशन पे असाइन हुए हुए हैं मेमोरी के अंदर। कहीं भी उनका एड्रेस डिफरेंट है, उनकी लोकेशन डिफरेंट है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सारा कुछ डिफरेंट है, दूसरी दूसरी जगह पे पड़े हुए हैं। ठीक है, मगर अब हम क्या पास एक्सेस करने के लिए क्या होगा, उनका वेरिएबल का नाम है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, ठीक है मैनेज हो गए, तीन वेरिएबल हो गए, ठीक है मैनेज हो गए, चार हो गए, पाँच हो गए, 500 हो गए, 5000 हो गए। तो क्या 5000 वेरिएबल बनाएंगे हम? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस केस के अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास होने चाहिए कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, जिसको आम जुबान में हम लिस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको बस पहले खाने का एड्रेस पता हो, ठीक है, फिर उसके अगले इंडेक्स पे, बिल्कुल नेक्स्ट इंडेक्स पे उसका दूसरा वैल्यू हो, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और एन नंबर कंजेक्टिवली पड़े होते तरतीब के साथ। ठीक है, इसको एक्सेस भी करना हो तो आपने क्या करना है कि ये जो पूरा मेमोरी सेल है बड़ा सारा, ठीक है, इसके अंदर ये स्टैक है, एक साथ ढेर है, ठीक है, तरतीब वार लगा हुआ है। पहले खाने में आपकी वैल्यू पड़ी होगी पहले स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल, फिर दूसरे खाने में दूसरे स्टूडेंट की, फिर तीसरे खाने में तीसरे स्टूडेंट की, चौथे खाने में चौथे, और ऐसे करते आपके सारी की सारी वैल्यूज जो है ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, और इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, डिस्क जिसको एक्सेस किस तरह किया जा सकता है, कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन की फॉर्म में। ठीक है, अब इसको किस तरह बनाया जाता है, इसको बनाने के लिए आपके पास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है जब भी आप लिखेंगे पाइथन के कोड के अंदर तो वो ऐसा लिस्ट कंसीडर की जाएगी। इसको मैं एल का नाम दे देता हूँ, एल इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर वैल्यूज आपके उस रैंडम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10। ठीक है, तो इस तरह करके हमारे पास क्या होगा, एक लिस्ट होगी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये हमारे पास सिंपली लिस्ट को ऐसे एज इट इज प्रिंट करा देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अगर इन वैल्यूज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ या प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा। ओके जी, तो ये हमारे पास जो लिस्ट है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है कंजेक्टिवली, तरतीब के साथ। तो उस केस में हमारे पास जो इसको एक्सेस करने का तरीका होता है कि आपने उस लिस्ट का जो एक नाम है, अगर मैं इसको यहाँ पर एल, जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसको मैं अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ उसके पहले इंडेक्स को, ठीक है, पहले इंडेक्स, बेसिकली इंडेक्स जो होता है उसका, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोहल्ला है समझ लें, उस मोहल्ले के अंदर ना क्या होता है, घर बने हुए हैं तरतीब के साथ। तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ये मकान नंबर 1 है, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर 4, तो कंजेक्टिवली ये सारे के सारे मकान बने हुए होते हैं। तो इनको एक्सेस भी किस तरह किया जाता है, अगर आपके पास मकान नंबर 4 को एक्सेस करना है तो मकान नंबर 4 जो है आपके सामने आएगा इंडेक्स नंबर 4 पे, ठीक है, फिर इसी तरह इंडेक्स नंबर 5 पे आपके पास मकान नंबर 5 आएगा, 5 5 मकान नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या करेंगे, तरतीब से एक्सेस कर रहे हैं मकानों को, ठीक है, क्योंकि वो कंजेक्टिवली पड़े। बिल्कुल इसी तरह मेमोरी लोकेशंस को आप समझ लें, हर एक मेमोरी लोकेशन की वैल्यू जो है वो कंजेक्टिवली अरेंज और ऑर्गेनाइज है इन लिस्ट। ठीक है, उसको एक्सेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी पहली वैल्यू को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, अब चूंकि आपकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है, तो इसका मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा और यहाँ पर इसकी पहली वैल्यू जो है यहाँ पर 0 डाल दूंगा। ठीक है, तो रन करूंगा तो आपकी चूंकि इंडेक्स नंबर 1 पे आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1, तो ये 1 आपके सामने प्रिंट आउट हो गया। इसी तरह मैं इसकी थर्ड वैल्यू को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू से मुराद है चौथा इंडेक्स। ठीक है, किस तरह, देखें पहली गिनती जो है वो 0 से स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद क्या आएगा, 0 1 2 3 3 जो है वहां पर एक्सेस कर रहा है उसकी चौथी वैल्यू को।
ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। बस आपने ये रखना है कि जो भी आपकी लोकेशन है उसके अंदर हमने हमेशा गिनती जो है वो जीरो से स्टार्ट करनी है, मतलब -1 करके एक्सेस करना है। अगर पांचवें इंडेक्स की बात हो रही है तो -1 मतलब 4 आपका इंडेक्स नंबर है। अगर छठी छठी वैल्यू को, जैसा कि ये वाली वैल्यू है, इसको एक्सेस करना है, अब ये छठे नंबर में पड़ी हुई है, मगर इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? हमेशा 5 होगा, क्योंकि गिनती किधर से शुरू हुई है? जीरो से। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 5 डालना पड़ेगा, यहाँ से आपको 6 वैल्यू जो है वो एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके अंदर इन वैल्यूज को एक्सेस करना चाह रहे हैं लेफ्ट टू राइट, मगर इसके कुछ एरिए तक, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं हम इसका कुछ पोर्शन उठाना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे? इसका पोर्शन को एक्सेस करने के हमारे पास काफी ज्यादा मेथड्स हैं, उनमें से ये, फॉर एग्जांपल, मैं इसकी फर्स्ट 3 वैल्यूज को निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर थर्ड डाल दूंगा, थर्ड फर्स्ट, और लेफ्ट से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो मैं 3 से पहले कोलन डाल दूंगा। इससे क्या होगा कि वो 3 से पहले के इंडेक्स की वैल्यूज जो कि 1 2 3 हैं उनको पकड़ेगा और एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, इसमें क्या फायदा हुआ कि ये हमें लिस्ट को स्लाइस करने की भी परमिशन देता है। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं 3 इंडेक्स के बाद वाली वैल्यूज, तो मतलब 3 इंडेक्स के बाद, 3 इंडेक्स आपका ये है जो क्योंकि गिनती 0 से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4, फिर 5 6 7 8 9 10, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है इसके बाद आ रही है, तो ये आपके पास एक्सेस हो गए, प्रिंट आउट हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो लिस्ट है उसको स्लाइसिंग के जरिए हमने कुछ पोर्शन उठा लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके दरमियान में इंडेक्स नंबर 3 से लेकर, ठीक है, और इंडेक्स नंबर 7 तक वैल्यूज को प्रिंट कराने जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, 3 से स्टार्ट हुआ और 7 तक वैल्यूज को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और आपने यहाँ पर भी उस चीज को मद्देनजर रखना है कि लास्ट वैल्यू हमेशा, लास्ट इंडेक्स जो है हमेशा स्किप करेगा। ठीक है, अभी देखें, यहाँ से गिनती से स्टार्ट करें, 0 1 2 3। ठीक है, तो अब जो काउंटिंग अब स्टार्ट हो रही है इधर से, तो यहाँ की वैल्यू फर्स्ट उठाएगा 3, और सॉरी, ये वाली वैल्यू उठाएगा 4, फिर 5, फिर 6, और अब स्टार्टिंग एंडिंग वाला पॉइंट जो था ना वो आपका 8th इंडेक्स था। ठीक है, सॉरी, 7th इंडेक्स था, तो 7 की जो पोजीशन है वो इधर आ रही है 8 पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 4 5 6 7 तक चलेगा, और यहाँ पर आपके सामने वही वैल्यूज आपके प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज की स्लाइसिंग कर सकते हैं विद इन आर लिस्ट। ओके, अच्छा, अब लिस्ट के ऊपर और कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? लिस्ट के अंदर हम स्लाइसिंग कर सकते हैं जो कि हमने की, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इसी तरह हम इसके अंदर रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है, आपने सिंपली लिखना है डबल कोलन और -1। -1 करने से क्या होगा, ये पूरी पूरी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 से शुरू होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे करके आपके पास क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आपके पास एक लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो अब ये आपके पास बेसिक ऑपरेशन है जो कि आप लिस्ट स्लाइसिंग के अंदर, इंडेक्स लोकेशन के एक्सेस के अंदर आप कर सकते हैं। हम इसके अंदर डेटा रखवा कैसे सकते हैं, हम इसके अंदर डेटा अपडेट कैसे करवा सकते हैं, हम इसके अंदर से डेटा डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये वो सारे सवाल हैं जो कि हम बेसिक ऑपरेशन के अंदर इसके अंदर परफॉर्म करेंगे। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा को रखने की तरतीब या तरीके। ठीक है, तो पाइथन के अंदर जब आ रहे हैं, हमारे पास डेटा रखने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, जैसा कि हम लिस्ट के अंदर डेटा कैसे जोड़ सकते हैं, हम लिस्ट के अंदर डेटा कैसे निकाल सकते हैं, उसके अंदर नया डेटा कैसे जोड़ सकते हैं, उसके डेटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई नया डेटा इनिशियलाइज करवाना है वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो आज जो है हमने क्या क्या पढ़ा है, हम उसको एक दफ़ा नज़र दोहराई कर लेते हैं। तो बेसिकली आज के अंदर हमने लूप्स को इम्प्लीमेंट किया है। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स एक तरतीब के साथ वैल्यूज को रिवर्स, क्या कहते हैं, अरेंज करने के लिए, या बार बार स्टेटमेंट को, सॉरी, लूप्स जो है वो एक स्टेटमेंट को बार बार
कवर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर आपके पास एक ये कंडीशन मैंने आपको बताई, जैसे प्रिंट करना है आपने क्या करना है, सिंपल प्रिंट का फंक्शन यूज़ करने का जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर हमने 10 टाइम्स उसको प्रिंट कराना है, तो हमने सिंपल स्टेटमेंट को क्या डबल कोट्स में लिखा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, तो इसके साथ एक एस्केप सीक्वेंस का यूज़ किया जो कि नेक्स्ट लाइन पे, हर दफ़ा हमने नेक्स्ट लाइन पे लेकर जाना था, तो इसको क्या किया मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 के साथ, तो इसे क्या हुआ, ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। इसी तरह उसके बाद हमने किसी फॉर लूप इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक सिंपल काउंटर कंट्रोल लूप जो कि फॉर लूप कहलाता है उसका इम्प्लीमेंट किया, और इसके अंदर हमने गिनती स्टार्ट की 1 से लेकर 10 तक, और इसमें स्टेप्स का भी हमने इंट्रोडक्शन किया था कि जो स्टेप्स डालता है बीच में हर एक वैल्यू को प्रिंट आउट कराते हुए, यानी कि 1 से लेकर 10 तक मैंने प्रिंट कराना था, तो अब क्या करेगा वो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज को स्टेप 2 के साथ, 1 के बाद 2 वैल्यू का स्टेप 3, फिर 4 5 5 प्रिंट कराया, फिर 5 के बाद 2 वैल्यूज का स्टेप 6 7 7 प्रिंट कराया, फिर 8 9 9 प्रिंट कराया, और 10 तक क्योंकि हमारी लिमिट थी तो वो 10 को क्रॉस नहीं किया उसने, क्योंकि 1-1 तक चलती है गिनती, ठीक है। तो इसके बाद हमने किया लूप का इम्प्लीमेंट किया, लूप क्या करता है, हमारे पास वैल्यू इनपुट लेता है और गिनती को प्रिंट कराता है, मगर उस लिमिट तक जिस लिमिट तक हमने इनपुट किया, तो ये हमने सारी वो लूप के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया था। उसके बाद हमने क्या किया था, टेबल का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि जो भी वैल्यू इनपुट में आए उसका 10 तक टेबल प्रिंट करवा दे, तो ये हमने इसको इस तरह इम्प्लीमेंट करवाया कि यूज़र से एक वैल्यू लिया, उसको इंटीजर में टाइप कास्ट किया और रेंज सेट की है 10 तक, क्योंकि हम 10 तक चलाना चाह रहे हैं 1 से लेकर, तो इसलिए हमने +1 मतलब 11 तक इसको बनाया है, और इसके बाद हमने प्रिंट का फंक्शन यूज़ किया, बीच में स्टार और आइटरेटर जो कि आई वाली वैल्यू है, फिर इक्वल का निशान, फिर i-1 मतलब हर एक नंबर जो कि i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रही उसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इनपुट में आया है, यानी कि 7 है तो 1 7 1 7 7 2 7 14 3 7 21 ऐसे करके हमारे पास जो है 7 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया, ओके। उसके बाद हमने एक रेंज सेट किया जो कि हमारे पास उन नंबरों को प्रिंट कराएगी जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, मतलब इवन वैल्यूज, तो 50 तक ये लूप चला है और इसने क्या किया है 2 के पावर टेबल पे डिवाइड होने वाली सारी वैल्यूज को प्रिंट आउट करवाया। इसके बाद हमारे पास वो वैल्यूज जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होती, मतलब ओड वैल्यूज, वो हमारे पास प्रिंट आई है, तो हमने कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया तो हमारे पास ओड वैल्यू प्रिंट होने लग गई, और नेक्स्ट हमने इवन और ओड वैल्यूज को प्रिंट करवाने का किया काम, तो वो हमारे पास प्रिंट आउट हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टार की बात की थी, तो स्टारिक का पैटर्न जो है हमारा स्पेसिफिक पैटर्न है, हम उसको स्टारिक पैटर्न के अंदर प्रिंट आउट करवा रहे थे, यानी कि सबसे फर्स्ट रो में 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, और इस तरह करके हमने क्या किया है, एक टॉप टू बॉटम अप्रोच की फॉर्म में एक पिरामिड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराया है, और ये आप देख सकते हैं हमने रिवर्स और फॉरवर्ड ऑर्डर में जब इसको प्रिंट कराया तो एक पिरामिड की शेप में आपके पास जो है वो प्रिंट हो गया है, और ये पैटर्न बिल्कुल आप अपने तौर पे भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद हमने लिस्ट का इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर हमने लिस्ट को डिवेलप करना है, लिस्ट कैसे डिवेलप होती है, और उसके अंदर हमने स्लाइसिंग इम्प्लीमेंट कराई, और स्लाइसिंग इम्प्लीमेंट करवाने के बाद हमने उसके अंदर से रिवर्स ऑर्डर में सारा कुछ प्रिंट करवाया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके इसमें पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।